तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं टाटा पंच ईवी के बारे में। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती है, इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। साथ में इसकी जो रेंज है ना वो भी काफी कमाल की है, मतलब पूरे सेगमेंट के अंदर इतनी ज्यादा रेंज आपको किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलती, और साथ में जो प्राइसिंग है ना वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखी गई है। इस कमाल की ईवी के बारे में अगर आप ज्यादा चीजें जानना चाहते हो तो जरूर से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखते हो तो मोस्ट ऑफ द डिजाइन आपको टाटा निक्सॉन ईवी जैसी ही देखने को मिलेगी। लाइक सबसे पहले इसमें आपको बहुत ही सुंदर सी ये जो एलईडी वाली स्ट्रिप है ना वो मिलती है, विच लुक्स प्रीटी नाइस। नीचे इसका बम्पर जो है वो भी कंप्लीट ऐसा अपडेट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पर भी आपको निक्सॉन ईवी जैसी मिलती है, लाइक जो हेडलाइट का सेटअप है वो सेम वैसा ही दिया गया है, और बम्पर में आपको थोड़ी सी वर्टिकल लाइनिंग्स मिलते हैं, और बम्पर का जो ऐसे कलर कॉम्बिनेशन है ना वो भी थोड़ा ड्यूअल टोन वाला दे दिया विद दी स्किड प्लेट। सो डिजाइन एक्चुअल में पेट्रोल वाले वर्जन से वे बेटर लग रही है, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बाकी एक चीज मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है, वो है इसमें मिलने वाला चार्जिंग सॉकेट की प्लेसमेंट। लाइक जो चार्जिंग सॉकेट है ना बिल्कुल ही टाटा लोगों के नीचे दे दिया, तो अगर इसके वजह साइड में ही देते तो ये ज्यादा क्लीनर लगता, ज्यादा बेटर लगता मेरे हिसाब से। बट एनीवेज कुछ यूनिक तो करना ही था टाटा को। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो साइड में डिफरेंस ही नहीं है, देखकर कोई फायदा नहीं है, बस आपको जो अलॉय व्हील्स है ना वो शायद निक्सॉन ईवी जैसे ही देखने को मिल सकते हैं, बट कहीं पर भी इन लोगों ने क्लियरली इसके बारे में नहीं दिखाया। बाकी पीछे का डिजाइन अगर आप देखते हो तो पीछे भी ज्यादा कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है, सेम आपको वाई शेप वाले इसकी टेल लैंप्स मिलेंगे, जो बम्पर्स है वो भी सेम है, लेकिन नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है ना वो आपको सिल्वर कलर के अंदर मिलते हैं, विच लुक्स बेटर देन दी पेट्रोल वर्जन। सो एक्सटीरियर के अंदर ज्यादा कुछ ऐसे चेंजेस नहीं है, लेकिन जो इंटीरियर है ना वो काफी बदल चुका है। लाइक सबसे पहले देखो आपको डैशबोर्ड का जो डिजाइन है वो तो सेम ही मिलेगा विद द सेम कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन जो मेन डिफरेंस है ना दैट इज इन द स्टीयरिंग व्हील। आपको सेम निक्सॉन ईवी वाला जो ऐसे इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो वाला स्टीयरिंग व्हील दिया था ना वही देखने को मिलेगा, विच लुक्स वेरी गुड। साथ में आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस वाला देखने को मिलेगा, जो कि है पावर्ड फ्रॉम दी JBL। तो ये सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसको उठाया गया है फ्रॉम दी टाटा निक्सॉन ईवी। और साथ में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी 10.25 इंचेस का ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ कमाल के फीचर्स मिलते हैं, लाइक द नेविगेशन सिस्टम, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और बहुत सारी जो ऐसे इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना वो काफी ऐसे मिल जाती है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा एनीवेज। और साथ में इसमें और भी फीचर अपग्रेड्स है, लाइक कुछ फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 360 डिग्री वाला पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा विद दी बहुत सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर्स। एंड इसकी जो सीट्स होंगे वो कम्प्लीटली लेदराइट सीट्स होंगे, और इसमें ना आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड या वायरलेस चार्जिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको arcade.ev का जो ऐप सूट है ना वो भी दिया जाएगा, जैसे कि आपको टाटा निक्सॉन ईवी के अंदर मिला था। बाकी सनरूफ भी ऑफर किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक वेरिएंट्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो भी इसके हायर वेरिएंट्स के लिए ऑफर किया जाएगा। सो ये मैंने आपको कुछ इसके फीचर्स के बारे में बता दिया। बाकी सेफ्टी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड हो चुके हैं, लाइक आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स माउंट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और अगर आप इसका टॉप एंड लेते हो तो उसके अंदर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ब्रेक असिस्ट, ऐसे सारे जो फीचर्स है ना वो भी ऑफर किए जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है ना वो है इसका ईवी आर्किटेक्चर। तो टाटा ने रिसेंटली अपने नई टाटा ईवी आर्किटेक्चर के बारे में से टीज किया था, तो ये जो टाटा पंच है ना वो उसी के ऊपर बेस्ड है, और ये एक्चुअल में फर्स्ट गाड़ी है जो कि ईवी के नए आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो इसकी वजह से इसमें आपको ज्यादा बेटर रिलायबिलिटी देखने को मिलेगी, और साथ में ये जो आर्किटेक्चर है ना वो पहले के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा सेफ भी है। बाकी इलेक्ट्रिक वाली चीजों की बात करूं, लाइक इसमें जो बैटरी पैक्स है इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, सेकेंडली आपको मिलेगा 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और इन बैटरी पैक्स के अंदर जो ऐसे एक्सपेक्टेड रेंज है ना उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके वेरिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें दोस्तों आपको टोटली दो मेन वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको निक्सॉन ईवी के अंदर ऑफर किए गए थे, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड एज वेल एज लॉन्ग रेंज वेरिएंट जो है वो ऑफर किया जाएगा। स्टैंडर्ड में आपको कम बैटरी कैपेसिटी दी जाएगी, और इसमें जो एक्सपेक्टेड रेंज है दैट इज अराउंड 300 किलोमीटर्स, और अगर आप इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड रेंज है दैट इज अराउंड 350 टू 400 किलोमीटर्स। इतनी रेंज अगर आती है देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड।
बाकी इसमें आपको दो चार्जर के ऑप्शन मिलते हैं, लाइक आपको 3.3 किलोवाट का जो एसी चार्जर है वो इसके लोअर वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा, और अगर आप इसके हायर ट्रिम्स लेते हो तो उसमें आपको 7.2 किलोवाट वाला एसी चार्जर देखने को मिलेगा। बाकी ये गाड़ी जो है वो डीसी फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और हाँ, बाकी ईवीज की तरह इसमें भी आपको मल्टी मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है वो भी ऑफर किया जाएगा, बट एनीवेज टाटा ने इसके मोटर के बारे में कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक रेप्यूटेड वेबसाइट से मैंने निकाली है। सो मोस्टली जो रेंज वगैरह मैंने बताई ना, वो आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी रियल लाइफ के अंदर। और ये टाटा की पहली गाड़ी होने वाली है जिसके अंदर आपको फ्रंक मिलेगा, यानी कि बोनेट के नीचे आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा, सो दैट इज अ गुड थिंग। और साथ में सेफ्टी के हिसाब से इसमें ना चार डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं जो कि पेट्रोल वर्जन के अंदर मिसिंग है। एनीवेज अगर मैं बात करूं वेरिएंट्स के बारे में, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, तो उन वेरिएंट्स के अंदर भी आपको डिफरेंट ट्रिम्स मिलेंगे। लाइक अगर आप इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको पांच ट्रिम मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस। और अगर आप इसका लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको थ्री ट्रिम्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एडवेंचर, देन आता है इसका एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस। और ये जो गाड़ी होगी ना, वो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगी विद दी सिट्रॉन EC3 जो कि टाटा टियागो ईवी के बाद के सेगमेंट में आती है। और ये जो टाटा पंच है ना, वो टाटा टियागो और टाटा नेक्सॉन ईवी के बीच में आती है, यानी कि जो प्राइस होगी ना वो भी आपको इसी के बीच देखने को मिलेगी। अभी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इसकी वो बताई जा रही है अराउंड 9.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपीज एक शोरूम इसके लोअर वेरिएंट के लिए, और अगर आप इसका ऐसे हायर वेरिएंट लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 13 टू 14 लाख रुपीज एक शोरूम के बीच में देखने को मिलेगी। तो क्या कहते हो इस टाटा पंच ईवी के बारे में, जरूर से आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे तो काफी ज्यादा कमाल की लगी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे पता लग गया ना, उसके हिसाब से बढ़िया व्हीकल है एंड डेफिनेटली सिट्रॉन C3 को ये बहुत ही ज्यादा बड़ी टक्कर देने वाली है। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस पंच ईवी की रिगार्डिंग। बाकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।